जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेस के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ डी परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं ये कूपन कोड है तो उसमें ट्वेंटी परसेंट फीस तुरंत माफ हो जाएगी मतलब ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा ज्ञान सर लिखना है नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ कोई स्पेस नहीं कोई कॉलम नहीं सिर्फ ज्ञान सर जी वाई ए एन एस आई आर इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है तो ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा वीडियो देखिए नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके यमुना नदी के बारे में देखिए यमुना जो है ना ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है ठीक है किसकी गंगा की अब देखो गंगा जो है आपकी आ रही है नदी ठीक है और गंगा से आप ये समझो जैसे ये गंगा है आपकी और जो यमुना नदी है ये आपकी कहाँ से निकलती यमुनोत्री से निकलती है यमुना ठीक है ये पैरल चलती है और गंगा से कहाँ पे जाके मिल जाती है ये मिल जाती है आपके प्रयागराज पे कहां पे प्रयागराज पे मैं लिख दे रहा हूं एक बार ठीक है ये मिलती है आपके अलाहाबाद प्रयाग ठीक है और आगे जो नदी बनती है आगे जो रिवर बन जाती है वो गंगा बन जाती गंगा जो है अपना आगे जो है डिस्टेंस कवर करती है और फिर बिहार वगैरह चली जाती है गंगा तो हमें यमुना के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट रिवर है ठीक है अब देखो एग्जाम में ना आपसे आयोग भी क्वेश्चन पूछता है यमुना को लेकर अब यमुना जो है ना हमारे देश के बहुत मेजर मेजर शहरों से पास होते हुए जाती है सबसे पहले तो देखिए आपको दिख रहा होगा जो नई दिल्ली है आपका नई दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है वहां से भी यमुना नदी निकलती है फिर आपकी आगरा से भी निकलती जो ताजमहल जहाँ बना हुआ है ठीक है उसके बाद में अलग अलग यूपी के जिलों में बहती जैसे आपका मथुरा हो गया आगरा इटावा कालपी हमीरपुर ठीक है और फिर आपके गंगा से कहा मिल जाती है इलाहाबाद में मिल जाती है तो हमें जो यमुना की जो सहायक नदी है ना अब हम लोग इस वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे देखिए आप जैसे ये समझो ये आपका यमुना का मैप आपको दिख रहा होगा ये आपकी यमुना नदी आ रही है ठीक है ऊपर जो गंगा अब देखो यमुना की जो द... जैसे यमुना का डायरेक्शन अभी किया पहले तो ये समझो यमुना ऐसे आ रही है ठीक है इस डायरेक्शन में तो इसका जो राइट बैंक है ना जो दायना तट है वो हो गया आपका ये वाला ठीक है ये राइट बैंक हो गया यमुना का ये लेफ्ट हो गया तो जो तट पे भी सहायक नदी है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है जैसे कौन कौन सी आपकी नदी जैसे एक हो गई आपकी चंबल ठीक है फिर एक हो गई आपकी सिंध फिर हो गई आपकी बेतवा और फिर हो गई आपकी केन इससे क्वेश्चन बहुत बनता है कैसे बनता है अभी मैं आपको बताता हूँ ठीक है तो देखो ये आपको एक फोटो दिखेगी जो आपका ताजमहल है ना ताजमहल जो है एग्जैक्ट यमुना नदी के बगल में बनवाया गया अभी मैंने आपको मैप में भी दिखाया था कि जो आपका यमुना नदी है वो आपका दिल्ली से तो बह ही रही है ठीक है नई दिल्ली से और फिर आगरा से भी बह रही है आपके तो जो जो ताजमहल ना जस्ट उसके बगल में बनवाया गया था अब आपको आपको यमुना की जो मैंने सहायक नदियां बताई वो कौन कौन सी बता दी आपकी चंबल सिंध बेतवा और केन अब पहला क्वेश्चन बताया आपसे आयोग क्या पूछता है आपसे आयोग ये पूछता है कि जो यमुना की जो सहायक नदी है ना इनको आप जरा ऑर्डर में लगाइए कैसे पश्चिम से पूर्व लगाइए कैसे लगाइए पश्चिम से पूर्व जैसे आपको डायरेक्शन पता होगा अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो आप यह समझिए कि ये वाला जो आपका डायरेक्शन है ये होता है नॉर्थ मतलब उत्तर ये वेस्ट पश्चिम नीचे आपका साउथ दक्षिण और ये आपका ईस्ट तो देखो सबसे वेस्ट में आपको यहाँ पर कौन सी नदी दिख रही है तब ये हो गया सबसे वेस्ट में और ये इधर हो गया सबसे आपका ईस्ट मतलब पूर्व तो देखो पश्चिम से पूर्व की अगर हम बात करें तो भैया सबसे पहले आपको दिखेगी चंबल नदी ठीक है कौन सी नदी दिखेगी चंबल नदी दिखेगी इसका ही ऑर्डर याद कर लो फिर आपको दिखेगी सिंध नदी फिर आपको बेतवा और फिर केन तो पश्चिम से पूर्व का ऑर्डर पूछ लेता है आपको क्या करेगा एक क्वेश्चन अभी आया था दो तीन साल पहले चंबल बेतवा केन दे दिया गया था और बता बताना था कि भैया ऑर्डर लगाइए पश्चिम से पूर्व अब आगे क्या कर सकता है पूर्व से पश्चिम पूछ सकता है पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो सबसे पहले केन हो जाएगी ठीक है पूर्व से पश्चिम ईस्ट से वेस्ट केन बेतवा सेंध और आपकी चंबल ठीक है अब आगे हम लोग बात करते हैं ये हो गई आपकी चम यमुना की दायने तट की सहायक नदियां एक बार डायरेक्शन समझ लो तो आप लोग को समझ में आ जाए काफी चीजें देखो जैसे यमुना है ये ऐसे आ रही है तो जो ये वाला डायरेक्शन होगा ना जो ये वाला एरिया होगा यमुना का इधर वाला ठीक है इसको हम लोग बोलेंगे बाइना तट ठीक है लेफ्ट बैंक और जो नीचे वाला डायरेक्शन आपको बन रहा है ये हो गया आपका राइट बैंक ठीक है अगर यमुना ऐसे आ रही होती तो ये वाला हो जाता राइट और ये वाला लेफ्ट हो जाता समझ में आया ये इतना पोर्शन रखो ये इतना पोर्शन हो गया अब देखो दाइने तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई चंबल सिंध बेतवा केन अभी मैंने आपको बताया ये आपकी चंबल आ रही है फिर सिंध आ रही है फिर बेतवा और फिर केन अब हमें ये देखना है कि कौन कौन सी जो नदी है ना जो आ रही है वो कौन कौन से जिले में आके मिलती है किससे यमुना से देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें चंबल नदी की ये क्वेश्चन बहुत आता है जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं ये याद कर लो जो चंबल नदी है ये यमुना यूपी स्पेशल का भी पार्ट है ये आपका और उसका भी पार्ट है किसका नॉर्मल ज्योग्राफी का चंबल नदी जो है देखो ये चंबल नदी आती हुई दिख रही है ये यमुना से कहा मिलेगी ये यमुना से आपकी मिलती है इटावा जिले के पास में कहा मिलेगी इटावा जिले के पास में तो इसको याद कर लो चंबल कहाँ मिलती है इटावा तो इटावा से कोई अगर देख रहा तो बताना जरा कमेंट बॉक्स में ठीक है इसके बाद में हम बात करेंगे जो आपकी सिंध नदी आ रही है जो सिंध नदी आ रही है ना सिंध नदी ठीक है सिंध भी बोल सकते हो ये कहाँ पे मिलती है इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये मिलेगी आपकी जलौन जो डिस्ट्रिक्ट है जलान जो जिला है वहां पर मिलेगी यमुना से जितना मैं बताता जला ना इतना आता ही है याद कर लो नोट्स बना लेना जलान जिले में ठीक है इसके बाद देखो आपको बेतवा दिख रही होगी बेतवा और केन तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेतवा जो है ये आपको कहाँ दिखेगी मिलते हुए ये दिखेगी आपको हमीरपुर जिले में कौन से जिले में हमीरपुर जिले में ठीक है बेतवा हमीरपुर जिले में उसके बाद देखो आपको केन आती हुई दिख रही होगी तो जो केन है केन में तो देखो लिखा भी हुआ बांदा तो केन जो है ये मिलेगी आपके बांदा जिले में इसके साथ में यमुना के साथ में जो मीटअप होगा ठीक है मतलब जो जाके मिल जाएगी सहायक नदियां सब आपकी ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बाकी देखो देखो आपकी गंगा नदी आ रही है ठीक है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी मैंने कौन सी बताई यमुना है दिल्ली आगरा ये जाते हुए कहाँ मिल जा रही है इलाहाबाद प्रयागराज में तो देखो ये चंबल आई ये बेतवा आई फिर आपको इधर केन दिखेगा इधर आपको सिंध नदी थी ठीक है बनी हुई है अब यमुना की कुछ आपकी बायने तट की जो लेफ्ट बैंक है ना उसकी भी सहायक नदी है मतलब जो यमुना से ऐसे आके मिलेंगी इधर इधर दिख रहा है ना मैप में ये इधर आके मिलेंगी वो कौन सी है ये इनका नाम याद कर लेना एक बार कौन कौन सी हिंडन नदी रीत नदी सेंगर और वरुणा ठीक है हिंडन रींद सेंगर और वरुणा ठीक है ये है इनकी लेफ्ट बैंक की सहायक नदियां इससे इतना क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए मैंने इसके बारे में सिर्फ लिख के लाया मैप नहीं लाया हो तो ये नाम याद कर लो लेफ्ट बैंक की जो बायने तट की सहायक नदियां ठीक है किसकी यमुना की देखो जैसे ये यमुना आ रही है तो ये बायने तट पे मिलेंगी और राइट बैंक की तो मैंने आपको बता दी चंबल सिंध बेतवा के तो एक बार आओ हम लोग रिवाइज कर लेते हैं किसको रिवाइज करेंगे यमुना नदी को रिवाइज करेंगे चलो पूरा कर लो देखो ये आ रही है आपकी गंगा ठीक है यहां पर आके आपकी मिल रही है यमुना मिल रही है कहाँ मिलेगी आपके प्रयागराज पे मिलेगी ठीक ये जो पॉइंट है ये आपका प्रयागराज ठीक है अब ये यह यहाँ पे बोला जाता था संगम सरस्वती नदी का भी होता है लेकिन वो प्राचीन काल में बोलते थे अब वो नदी हम लोग को दिखती नहीं है फिर यहां पे कौन सी यमुना में देखो सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट है ये हो गई आपकी चंबल नदी चंबल नदी कहाँ मिल रही है ये जो पॉइंट है आपका जहां पे चंबल मिल रही है किससे आपके आ, यमुना से मिल रही है ना ये है आपका इटावा जिला ठीक इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आपके सिंध नदी के बारे में ये आ रही है आपकी ये कहाँ मिलेगी ये मिलेगी आपके जो जलौन जिला है आपका कौन सा जलौन वहां पर आके मिलेगी उसके बाद में देखो फिर सिंध के बाद में कौन सी आ रही है आपकी बेतवा आ रही है बेतवा बेतवा कहाँ पे मिल रही है आपके देखो फिर से समझो एक बार देखो मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया है ठीक है ये देखो बेतवा आ रही है सीन आपके जलाउन बेतवा हमीरपुर केन कहाँ पे बाधा में ठीक है तो इधर देखो बेतवा जो है बेतवा कहाँ पे मिल रही है ये मिलेगी आपके इधर लिख दे रहा हूं हमीरपुर पे और उसके बाद में सबसे आखिरी वाली नदी है यमुना की जो सहायक नदी है ये हो गई आपकी कौन सी केन हो गई केन भैया कहा मिल रही है देख लो जरा एक बार केन आपकी मिलेगी बांदा जिले में ठीक है कहाँ पे बांदा जिले पे तो देखो तो ये पूरा यमुना का मैप था इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए और लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी देखो जैसे ये यमुना मैंने आपको बताया ना लेफ्ट बैंक क्या होगा जो यमुना के आपको ऐसे आके इधर से गिर रही होंगी ठीक है ऊपर से पहाड़ों से आ रही है यमुना यमुनोत्री से ठीक है तो जो वहां पे आके गिर रही है ना उसको लेफ्ट बैंक बोला गया है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ नाम याद कर लो इंपॉर्टेंट जो बताया वो ये वाली है ठीक है इतना ही रखते हैं इस वीडियो में अब देखो यहाँ पर ना एक चीज मैं आपको बताऊं एक प्रोजेक्ट की बात चल रही है वो प्रोजेक्ट की बात क्या चल रही है केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट है क्या ना जो पानी जहां पे ज्यादा होगा उसको ये नहर बना के हम केन और बेतवा को कनेक्ट कर देंगे जिससे जो पानी जहां कम पड़े वो पहुंच जाए तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की भी बात चल रही हो ये किसका सिस्टम है यमुना का ही सिस्टम है पता होना चाहिए ठीक है तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में बाकी आगे जो इन सब में डैम्स बन रखी है वो मैं उसके बारे में बात करूंगा पूरी रिविजन सीरीज चलेगी आप सबके लिए जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है जिससे क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो और साथ में हमारा भैया का ग्रुप भी चल रहा है ठीक है और आपका यूपीपीसी दो हजार चौबीस दो हजार पच्चीस दो हजार चौबीस का क्रैश कोर्स है बीईओ का भी कोर्स है बाकी यूपीपीएससी का जितना एग्जाम है सबका हमारा कोर्स चल रहा है बीपीएससी का भी टेस्ट सीरीज है हमारा रिकॉर्डेड का कोर्स है आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर पे कॉल करके तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं नमस्कार